शाहरुख भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आप वोट किसको दोगे? मेरा तो एक ही को वोट है, केडी नंबर 804। केडी नंबर 804 तो बंद है, तो हम वोट देंगे उनके नुमाइंदे को, तो वो जीतेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये फिर बाहर आके आपको लगता है कि कुछ करेंगे हमारे लिए? उसको मौका ही नहीं दिया इन्होंने, 3 साल उसको हुकूमत दी, बाकियों ने तो इतने इतने साल बैठे रहे, उनको उन्होंने भी कुछ नहीं किया। काश ये कर दे, बाकी इनसे तो हमें बहुत शऊर मिला है और हम न्याजी है, वो भी न्याजी है। इंशाल्लाह एक बार मौका दोगे तो आप लोगों को कुछ करके दिखाएगा, बाकी सबको दिया है, इसको भी देने का आग के। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास तो पैसा भी है, ये बगैर सीट के भी पैसे लगा ले पाकिस्तान को बना सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बनाते। लोग सीट के ही भूखे क्यों है, सीट में कुछ तो खास है ना। बिल्कुल, तो इसलिए इमरान खान बेहतर है। तो मेरी भी यही दरख्वास्त है कि आप भी सब कल वोट दें इमरान खान को, तो आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आप वोट किसको दोगे? यार हमारा तो देखो, एक था पीटीआई वाला बेचारे, वो उसको बिखेर दिया, जाएगा तो उसी को वोट, इंशाल्लाह खान ही आएगा। फिर आपका अगर वोट चले जाएगा तो आपको लगता है कि खान बाहर आएगा फिर से? इंशाल्लाह आ जाएगा यार, खान पाकिस्तान है, कुछ भी हो जाते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान है कुछ भी हो जाएगा। ये जो यहाँ पे थ्योरीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है, यही भी एक। अगर खान बाहर नहीं आया तो हम अंदर चले जाएंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है ना, 8 फरवरी है, तो कल वोट देने की आपको किसकी तैयारी है, किसको वोट देना है आपने? एक ये खान, हम खान के अलावा और किसी को वोट नहीं देंगे। खान तो बंद है अभी, बस वो देखो अभी इलेक्शन है, कितनी की कितनी आवाम है, सब उसको निकालेगी बाहर। कितनी आवाम निकालेगी? बहुत आवाम है, आवाम पूरी आवाम उसके साथ है पाकिस्तान की भाई। आपको वोट, आपके वोट देने से खान बाहर आएगा? बिल्कुल आएगा, हमारे यहाँ वोट बहुत कीमती है। अच्छा। हम बिरयानी में बिकने वाले नहीं है। आप आवाम में क्या अपील करोगे? हम एक बिरयानी के लिए ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें एक बिरयानी की प्लेट मिलेगी हम बिक जाएंगे, हम बिरयानी की प्लेट में बिकने वाले नहीं है। बस एक ये इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे और इमरान खान ही आएगा इंशाल्लाह। क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा, जैसे कि आप जानते हो कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आपकी क्या तैयारी है, किसको वोट देना है आपने? मैं तो इमरान खान को वोट दूंगा भाई। इमरान खान को वोट दोगे? इमरान खान तो बंद है। बंद है फिर भी उसको ही दूंगा वो। किसको दोगे वोट आप बताओ ना, फिर भी इमरान खान तो बंद है। बंद है तो उसके बंदे को देंगे ना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, ये तो आप वोट किसको देंगे? मैं तो इमरान को दूंगा, उसके बंदे को दूंगा बस। उसके बंदे को देंगे? ये इमरान खान तो बंद है फिर। कोई बात नहीं, बंद रहते हैं लीडर, फिर आप माफी आ जाते हैं। और आपके वोट जो है, आपके वोट देने से आपको लगता है इमरान खान बाहर आएगा? इंशाल्लाह आएगा, उसका क्या कसूर है, यहाँ बड़े बड़े चले गए वापस आ गए तो ये तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? अच्छा, जैसे कि आप जानते हो कि कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है ना, ये तो आप वोट की क्या तैयारी है, वोट आपने किसको देना है? वोट सिर्फ जाएगा जिसके नाम लेने पे भी पाबंदी है। नाम लेने पे पाबंदी है? नाम लेने पे किसको पाबंदी है? पाबंदी है ना नाम लेने पे, नाम लेंगे तो अभी ले जाएंगे उठा के हमारे। नहीं, और भी तो लोग हैं, काफी सारे लोगों ने बताया है कि हम इसको देंगे वोट, इसको देंगे वोट, आप ही नाम नहीं ले रहे। हम पीटीआई को देंगे, पीटीआई को देंगे। पीटीआई ने क्या किया है आज तक? पीटीआई ने बहुत काम किया। लेकिन वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है, आप सुनो? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आप वोट किसको दोगे? वोट तो बीपी को जाएगा, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रोड भी टूटे हुए ना, लाइटें लगी हुई हैं, कदम कदम पे खड्डे हैं पूरे, फायदा ग्राउंड पूरा टूटा हुआ है पूरे गलियों में, यहाँ कुछ भी नहीं है फायदा उनको वोट देने का। अच्छा, तो फिर भी आप अभी बोल रहे हो कि वोट तो फिर भी कोई देंगे, बस किसी और के जाले में जाएंगे तो? आप बोल रहे हो कि सड़कें वगैरह टूटी हैं, सब कुछ टूटा है, लेकिन काफी लोगों का कहना है कि उन लोगों का मसला ही नहीं है, उनके सारे मसले क्लियर है, लाइट आती है, पानी आता है टाइम पे, गैस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। उन्होंने बोला 12 बजे गैस चली जाती है, ये देखो बारह देख लो सूरत हाल गलियों के, इधर सारी टूटी हुई गलियां है, ना लाइटें हैं, आपको बताया तो है। आप पहले वोटर मिले हो हमें, जैसे कह रहा है पता है जो ऐसा बोल रहा है कि गलियां वगैरह टूटी हुई है सब कुछ, बाकी सब तो कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हो? जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आपकी क्या तैयारी है, किसको वोट देंगे आप? यार वोट तो हम देंगे बीपी को, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को देंगे? ये पीपल्स पार्टी ने क्या किया है?
यार बाहर का तो पता नहीं है लेकिन इलाके में लाइट वगैरह है, पानी वगैरह आ रहा है, सब कुछ है। ये आपके सारे मसले के लिए हमारे मसले के लिए परेशानी है, हमारे को परेशानी। ठीक है, कैसे क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आप वोट की क्या तैयारी, आप वोट किसको देंगे? वोट में जी आर्टिस्टिक डेनिम के जो चेयरमैन है मुर्तजा साहब, उनको वोट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है ना, 8 फरवरी है, तो आपने किसको वोट देना है, आपकी क्या तैयारी है, किसको वोट देंगे आप? वोट एमकेएम पाकिस्तान को। वोट एमकेएम पाकिस्तान को। एमकेएम ने क्या किया है? एमकेएम ने क्या किया है, एमकेएम ने बहुत कुछ किया है इस पूरे कराची शहर में, काम ही सिर्फ एमकेएम ने किया और उसके अलावा किसी ने नहीं किया। और ये जो दूसरी पार्टियां वगैरह आई हुई है, ये सारी पार्टियां फारिग है, ये सारी पार्टियां फारिग है, सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान का। बाकी अलग अलग वोटर्स मिले, उन्होंने बोला इसको देंगे वोट, इसको देंगे, इसने भी बहुत कुछ करवाया। देखो ना कराची का क्या हाल करा सबने, लेकिन दूसरे वोटर्स को मिले, उन्होंने बोला कि भाई इसने, इस पार्टी ने ये करवाया, इस पार्टी ने ये करवाया, बस जिसने जो कराया सबने देखा किसने क्या कराया। और आपको अस्सलाम वालेकुम सामा भाई। जैसा कि आप जानते हैं कल पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो आप वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे जी। भाई आपको लगता है जनेसर गोड से पीपल्स पार्टी जीतेगी? जी जी इंशाल्लाह जीतेगी, बहुत काम किया है जनेसर गोड में, इंशाल्लाह उम्मीद है जीत जाएगी इंशाल्लाह। ये जो दूसरी पार्टियां वगैरह आई हुई है मरवत, नहीं यहाँ तो सामने नहीं कर सकती है पीपल्स पार्टी का, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का वोट है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह चाचू। चाचू जैसे कि आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में कल इलेक्शन है, तो आप वोट किसको दोगे? जमीयत उलमा इस्लाम। और बोल ये, और यहाँ पे क्या नाम है, किस लिए उस पार्टी को वोट दोगे आप? इस्लामी निज़ाम के लिए। इस्लामी निज़ाम के लिए। अच्छा।